दिल्ली के रामलीला मैदान में आज फिर से किसान देश भर से इकट्ठा होने जा रहे हैं। जगह जगह से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए कूद कर चुके हैं। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पर, जहां पर किसानों ने लगातार 1.5 साल तक, तकरीबन 13 महीने तक यहां पर आंदोलन किया और इसी जगह पर किसानों की स्टेज लगती थी, जहाँ की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ताकि दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए किसान प्रवेश न कर पाए, दिल्ली में किसी तरह की अव्यवस्था अराजकता न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने काफी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद हैं, मुंडका थाने के पुलिस जवान मौजूद हैं, एसएसबी, आरआरबी, एसएसबी की टीम्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर हैं। जो किसान जा रहे हैं उनकी गाड़ियों को रोकने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है, किसानों से उनकी जानकारी ली जा रही है। रात के समय भी काफी संख्या में किसान की गाड़ी पंजाब से आ रही थी, उसे दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है। दिल्ली पुलिस के जवान जो किसान लगाते हैं कि पंजाब नंबर की एक गाड़ी है PB04B0816, जिसके नंबर नोट किए जा रहे हैं, किसानों से पूछताछ की जा रही है। इन किसानों से ये पूछताछ की जा रही है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या किस तरीके से आंदोलन में हिस्सा लेंगे, कब वापस लौटेंगे। जो आप ट्रैफिक पुलिस के जवान के हाथ में जो डायरी देख रहे हैं, उस डायरी में उन तमाम गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं जो इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रही है। सुबह 7 बजे से लेकर अब तक तकरीबन 15 गाड़ियां किसानों की जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई है। रात के समय 2 बस और 2 छोटी गाड़ियों में किसान गए थे। रात के समय जो किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन में शामिल होने के लिए गए, उनकी संख्या तकरीबन 150 के करीब बताई गई है। सड़क मार्ग से की बजाय इस बार किसान रेल मार्ग को प्रेफर कर रहे हैं रामलीला मैदान तक जाने के लिए। रेल से, रोहतक से, सोनीपत से, पंजाब से रेलगाड़ियों में बैठकर किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सतर्क हैं, सचेत हैं इस बात को लेकर कि किसान आंदोलन की वापसी कहीं दिल्ली में दोबारा ना हो जाए। और जो किसान दिल्ली जा रहे हैं एक दिन के धरना प्रदर्शन के लिए, रामलीला मैदान में आंदोलन के लिए, वो किसान कहीं दिल्ली में ही वापस ना रुक जाएं। दरअसल किसानों की मांगे काफी समय से लंबित पड़ी हैं। जब किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी उस वक्त किसानों ने MSP की मांग शुरू की थी। MSP को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के गठन के बाद भी सरकार से जो किसानों की बात है वो किसानों की बातें नहीं बन पा रही। जो किसान आगे दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान के लिए बढ़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आप लोग कहाँ और किस लिए जा रहे हैं। रामलीला ग्राउंड जा रहे हैं। रामलीला ग्राउंड दोबारा से किसान आंदोलन की आहट है दिल्ली में? नहीं, वो सब आने से जाके पता लगेगा। अभी सब अभी कौन सी ऐसी मांगे हैं जो लंबित पड़ी हैं? तो MSP MSP मुख्य मांग है। हाँ। किसानों पर दर्ज जो मुकदमे थे वो वापस हुए क्या? वो तो जाकर पता लग जाएगा, बाला मालूम नहीं है, अब नए नए आए किसान यूनियन में। तो वहीं रुकने का, मंच लगाने का तो नहीं, नहीं, नहीं। आज एक दिन का जो धरना प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो इसीलिए है ताकि जो किसानों की लंबित मांगे हैं उन लंबित मांगों को लेकर सरकार को चेताया जा सके, सरकार को ये बताया जा सके कि किसान अभी तक संतुष्ट नहीं है। किसान चाहते हैं कि MSP लागू किया जाए सभी फसलों पर। किसान MSP की मांग को लेकर, किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उन मुकदमों की वापसी को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।